अल खिदमत फाउंडेशन जंग के जेर एहतमाम साफ पानी प्रोजेक्ट के तहत गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जंग सदर गोजरा रोड में कम्युनिटी हैंडपम्प लगाया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी शाहिद अब्बास जोया डिप्टी कमिश्नर जंग ने कहा कि एक सर्वे के मुताबिक जंग में 80% बीमारियों की बुनियादी वजह जंग का पानी है, इसलिए मुआशरा को सेहतमंद रखने के लिए साफ पानी बहुत जरूरी है। इस हवाले से जंग में नस्पाक के साथ जंग में सेवरेज सिस्टम को नए सिरे से 3 फेज में बनाया जा रहा है। इसी तरह शहर के बंद वाटर फिल्टर प्लांट्स को अल खिदमत फाउंडेशन के तावन से दोबारा चालू करवाएंगे। तारिक साबरी सदर अल खिदमत फाउंडेशन जंग ने बताया कि जिला जंग में फिलवक्त 30 अदर कम्युनिटी हैंडपंप लगाए जा रहे हैं। इस मौके पर अजहर अब्बास आदिल डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जंग, डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान, डॉक्टर फिरदौस कौसर प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल फरीद अहमद मिग्याना सरपरस्त आला अल खिदमत फाउंडेशन जंग ने भी खिताब किया। कमांडर हफीजुर रहमान नायब सदर, हाकम खान सियाल सदर किसान बोर्ड जंग, सरदार जसपाल सिंह नायब सदर राय शहजाद अब्दुल्ला, हाजी इरशाद मुंडा, अमीन खान बलोच, आसिफ मुनवर मेंबर इंसानी हकूक कमेटी जंग, मियां वसीम अख्तर, इखलाक अहमद, राय शहजाद अब्दुल्ला, मजर अब्बास और मलक अदनान भी मौजूद थे। रिपोर्ट चौधरी उमर हयात, जियो एक्सप्रेस न्यूज जंग।